हेलो फ्रेंड्स, नवरत्न एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से ज्योमेट्री का बाकी सेक्शंस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें चर्चा करी थी, तो जो भी व्यूअर हमारा इस वीडियो को पर नया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। आइए कंटिन्यू करते हैं बाकी की चीज़ें। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? हिंदी में से बोलते हैं लंब। लंब किसे कहते हैं या परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? देखो, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच कोण 90 डिग्री का हो। सीधी सीधी बात है, कभी भी अगर दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो वो रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंब होती हैं। जैसे ए बी एक रेखा है, सी डी एक दूसरी रेखा है। अब देखो, सी डी रेखा और ए बी रेखा में 90 90 90 90 का कोण है, अर्थात हम कह सकते हैं सी डी ए बी रेखा पर लंब है या ए बी सी डी रेखा पर लंब है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विबाहु भाजक। शब्द से ही मालूम चल रहा है कि लंब है, सम मतलब समान है, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब विभाजक, यानी समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम समद्विभाजक कहते हैं। अब साथ में लंब शब्द जुड़ा हुआ, ये इंडिकेट करेगा कि 90 डिग्री का ही कोण भी बनेगा। देखिए, यदि एक रेखा किसी रेखाखंड पर लंब हो और रेखाखंड को दो बराबर बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा लंब समद्विभाजक कहलाती है। यानी अगर कोई रेखा जैसे सी डी किसी रेखा खंड पर लंब हो, साथ में ये रेखा इस रेखा खंड को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है तो ये सी डी जो है इस रेखा का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। जैसे सी डी यहाँ पे ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्यों है? क्योंकि ये सी डी जो है ए बी पर लंब भी है। लंब होने के साथ साथ रेखाखंड ए बी को दो बराबर बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि ए डी बराबर है डी बी के। यहाँ पे ए डी बराबर है बी डी के। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नोट है, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ होता है। इसका तात्पर्य ये है, जैसे मान लो ये कोई लंब समद्विभाजक है जो कि रेखाखंड ए बी पर बना हुआ है। अगर हम इस लंब को देखें, लंब पे कोई भी बिंदु आप रखोगे तो ये जो बिंदु है इस बिंदु से तथा इस बिंदु से समदूरस्थ रहेगा। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर रहेगा, या इंग्लिश में बोले तो इक्वाडिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है अर्धक। अगर इसको और सरल भाषा में बात करें तो कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं या फिर अर्धक कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा अर्धक कहलाती है। जैसे देखो, यहाँ पे ए ओ बी एक कोण है। अब इस कोण को कौन सी रेखा बांट रही है? ओसी। तो यहाँ पे इसने कैसे बांटा? कोण ए ओ सी बराबर रहेगा कोण बी ओ सी के, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, और इसको बांट कौन रहा है? ओ सी। तो ओ सी क्या कहलाएगा? अर्धक या फिर एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की लंबवत दूरी दोनों भुजाओं से समान होती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है, अगर इस अर्धक पे हम कोई भी बिंदु दें रखें तो इस बिंदु से इन दोनों रेखाओं की जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी? बराबर। यानी कि ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। अब हम चलते हैं तिर्यक की ओर। भाई, तिर्यक क्या है? व्हाट इज दिस ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल है क्या? सिंपल सी बात है, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है। अब इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काट रही है जो कि पी क्यू है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है? रेखा ए बी,
और रेखा सीढ़ी का एक तिर्यक है। याद रखिए, कभी भी अगर तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो हमेशा वो आठ कोण बनाती है। यह लिखा हुआ है तिर्यक आठ कोण बनाता है। अब वो आठ कोण कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या, उनको देखते हैं। यहाँ पे जो आठ कोण हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है एक्सटीरियर एंगल्स, या फिर हिंदी में बात करें तो बाह कोण, यानी बाहर वाले कोण। तो बाहर कौन से कोण हैं, देखो सात आठ एक और दो, यानी एक दो सात आठ कौन से एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। दूसरा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंत, अंदर वाले कोण। तो यहाँ पे अंदर वाले कोण कौन से हैं, तीन चार पाँच छः, ये जो कोण है चारों, ये अंदर वाले कोण या फिर अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये जो आउटसाइड हैं दोनों रेखाओं की, ये है एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स के पेयर भी बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे दो का छः के साथ पेयर, तीन का सात के साथ पेयर, एक का पाँच के साथ पेयर, चार का आठ के साथ पेयर। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, या फिर संगत कोण के जुड़े हैं। अब यहाँ पे और भी है टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब अल्टरनेट यानी थ्री और फाइव का पेयर, चार और छः का पेयर। तो थ्री फाइव एंड चार छः क्या है, एकांतर अंतः कोण या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अभी अपने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब हम देखने जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम बात है, बाहर वाले दिस इज यानी टू एट, टू एट वन एंड सेवन, ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है समांतर रेखा का तिर्यक, यानी ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटे तो वो है समांतर रेखा का तिर्यक। यहाँ पे एंगल का रिलेशन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बचपन में कक्षा आठ नौ दस में पढ़ा होगा। सबसे पहला है देखो, ये दो रेखाएं हैं, ये जो तिर्यक है ये समांतर रेखा का तिर्यक। तिर्यक हमेशा आठ कोण बनाता है, आप सब जानते हो। यहाँ पे संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से हैं भाई, एक और पाँच संगत कोण है, चार और आठ संगत कोण है, दो और छः संगत कोण है, तीन और सात संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखिए, एक और पाँच बराबर है, एक और पाँच बराबर है, दो और छः बराबर है, दो और छः बराबर है, तीन और सात बराबर है, तीन और सात बराबर है, चार और आठ बराबर है, चार और आठ बराबर है, यानी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा है एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, यानी अब एकांतर कोण अपने पास दो प्रकार के हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह कोण। तो यहाँ पे देखो सब एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं, तीन और पाँच ये बराबर होंगे, चार और छः ये बराबर होंगे। एकांतर बाह कोण कौन से, ये एक और सात बाहर है एकांतर है, दो और आठ बाहर है एकांतर है, तो ये एकांतर बाह कोण हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एंगल तीन एंगल सिक्स, कोण तीन और कोण छः का जोड़ 180, कोण तीन और कोण छः का जोड़ 180, कोण चार और कोण पाँच का जोड़ 180, कोण दो और कोण सात का जोड़ 180, कोण एक और कोण आठ का भी जोड़ 180। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। इसके अगले लेक्चर्स की बाकी सी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।